राहुल गांधी केरल के मलप्पमपुरम से अपने घुटने का इलाज कराकर वापस दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली वापसी के साथ ही राहुल गांधी एक बार फिर अपने राजनीतिक मिशन पर भी निकल चुके हैं, लेकिन दिल्ली वापसी के बाद भी राहुल गांधी का दिल केरल से मिले प्यार को भुला नहीं पा रहा है। राहुल गांधी ने आज जो तस्वीरें ट्वीट की वो इस बात की गवाही दे रही है कि केरल से राहुल गांधी कितना प्यार लेकर दिल्ली वापस आए हैं। राहुल गांधी ने आज एमटी वासुदेवन नायर की दो किताबों और एक पेन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं वास्तव में सच्चे गुरु एमटी वासुदेवन नायर से मिले इस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश हूँ। अपने प्यारे केरल के बारे में और अधिक पढ़ने और जानने के लिए उत्साहित हूँ। आपको बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी जब केरल के मलप्पमपुरम में अपने घुटने के दर्द का इलाज करवा रहे थे, उस दौरान 100 साल पुराने आयुर्वेदिक संस्थान कुटक्कल आर्य वैद्यशाला में मलयालम लेखक और डायरेक्टर एमटी वासुदेवन नायर भी वहां अपना इलाज करा रहे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने एमटी वासुदेवन नायर से मुलाकात की और इसी मुलाकात में राहुल को एक पेन के साथ दो किताबें मिली थी। राहुल गांधी को जो दो किताबें मिली हैं, उसमें से पहली किताब है भीम लोन वॉरियर। इस किताब में महाभारत काल का जिक्र करते हुए भीम के किरदार के वो पहलू बताने की कोशिश की गई है जो सबके सामने होते हुए भी अब तक लोगों की नजरों से शायद दूर थे। इस किताब में भीम को एक ऐसे किरदार के तौर पर दिखाया गया है जो संवेदनशील है और अतः शक्ति से संपन्न होने के बाद भी घमंड से कोसों दूर है। इसके साथ ही अपने समय के मूर्खतापूर्ण रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं और स्थितियों का एक अच्छा न्यायाधीश बनकर उभरते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को जो दूसरी किताब मिली है वो एमटी वासुदेवन नायर का पहला उपन्यास है। इस किताब का नाम है द हाउस अराउंड द कोर्टयार्ड नालूकिट्टू। इस किताब में केरल की सामाजिक स्थिति का जिक्र करते हुए समाज में महिलाओं की स्थिति का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड जिले से सांसद रह चुके हैं, लेकिन सांसदी जाने के बाद भी राहुल गांधी ने केरल का साथ नहीं छोड़ा। राहुल ने ये बात कही थी कि सांसद रहें या ना रहें, पर वो केरल और वायनाड जाना नहीं छोड़ेंगे। और अब इसी ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनका और केरल का रिश्ता बिल्कुल पहले की तरह अभी भी जारी रहेगा।